हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। तो फ्रेंड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। इस चैनल के माध्यम से जितनी भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती हैं सब मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। उसके साथ ही एडवांस मैथ्स का बहुत ही बेस्ट कोर्स मैंने किया हुआ है और इंग्लिश का बता देता हूँ। देखिए, सीजीएल 2019 के लिए आपका बस जस्ट एग्ज़ाम आने ही वाला है। बहुत कम टाइम आपके पास बचा हुआ है, लगभग 1.5 महीना मान के चलिए आपके पास बचा हुआ है, ठीक है। और इन 1.5 मंथ्स में आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। इंग्लिश का पूरा ब्रीफ कोर्स मैंने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, जिसमें आपके नरेशंस हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हैं, ईडियम एंड जो आपकी वो कैप्स हैं, तीन वो कैप्स की बुक आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ और एक ईडियम एंड फ्रेसिस की बुक प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको। यकीन मानिए, इन्हीं में से आपके ईडियम एंड फ्रेसिस आएंगे। बहुत ही बेस्ट हैं ये, सिर्फ 70 रुपीज में आपको ये दोनों चीज़ें, मैं तीनों चार बुक्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। नरेशन कम्प्लीट है, पैसिव वॉइस पूरा कम्प्लीट है, एरर से रिलेटेड 100 गोल्डन रूल्स हैं, वो जरूर देख के जाइएगा। इसके अलावा और क्या बचा आपका, आपके फिलर्स वगैरह भी ईडियम एंड फ्रेसिस में कवर किए हैं मैंने। जैसे ये होता है गो ऑन, गो एट, इस तरह की जितनी प्रेपोजिशंस हैं, रन अवे, पुश अराउंड, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं फिलर्स भरने में। इसके अलावा एक आपका पैसेज का बच गया, उसके लिए मैंने आपको बताया है। अभी से आप जो है आर्टिकल या फिर जो न्यूज़पेपर में होते हैं वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने शुरू कीजिए, ठीक है। अगर आप 15 या 20 दिन भी अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। 1 घंटा ज़रूर पढ़िए। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए, यू मस्ट आइदर बी एरर्स, और इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने एरर्स की वो वाली वीडियो नहीं देखी तो वो पहले वो जरूर देखिएगा, जिसमें 100 गोल्डन रूल्स मैंने आपको करवाए हैं और दो वीडियोस एरर्स की प्रैक्टिस मैं करवा चुका हूँ, वो जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, यू मस्ट आइदर बी रेगुलर विद योर स्टडीज एंड स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन। देखिए, आइदर के साथ आपको पता है और लगता है, ठीक है, तो यहाँ पे और आएगा, और विल रिप्लेस एंड। देखिए, आइदर और नाइदर और आर द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ कोरिलेटिव कंजंक्शंस यूज फॉर शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द टू थिंग्स और द टू टर्म्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मतलब ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे यू मस्ट आइदर बी रेगुलर विद योर स्टडीज, ये एक अपने आप में एक अलग सिचुएशन होगी, या फिर और स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन। या तो रेगुलर पढ़ो या फिर एग्जाम से पहले बहुत लंबे समय तक पढ़ो। दैट इज अ टू डिफरेंट, एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। यहाँ पे रेगुलर की बात की है और यहाँ पे लंबे समय तक करने की बात की है, ठीक है। और एंड जो कंजक्शन होता है आपका, यहाँ पे जैसे आइदर का मैंने आपको बताया कि दो सिचुएशन आपस में बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे आई एम गोइंग टू बाय आइदर अ स्कूटर और अ मोटरसाइकिल, या तो स्कूटर खरीदेगा या मोटरसाइकिल, दैट इज अ टू, कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा बीच में। बट व्हेन आई सेड दैट डू इट स्लोली एंड केयरफुली, देयर इज वन सिचुएशन दैट यू हैव टू डू इट स्लोली, इसे स्लो भी करना है और इसे केयरफुली भी करना है आपको। देयर इज ओनली वन सिचुएशन, शी केम इन एंड टुक हर कोट ऑफ, ठीक है, वो आया और उसने अपना जो कोट है वो उतारा। सो एक दूसरे से लिंक्ड है, वो आया तभी उसने कोट उतारा, दैट इज अ टू। बट देर इज नो रिलेशनशिप एग्जिस्ट, या तो स्कूटर खरीदो या मोटरसाइकिल खरीदो, तो वहां पे हम इधर और नीदर नोर का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, सो द नेक्स्ट इज, नेक्स्ट भी अच्छा क्वेश्चन है ये काफी आपका। देखिए, द न्यू टैक्सेशन रेट्स अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट आर बाउंड टू इफेक्ट द एक्सपोर्ट सेक्टर। सीधा सीधा पता लग रहा है, टू अफेक्ट, अफेक्ट आएगा यहां पे। तो दोनों का मतलब मैं बता देता हूं। इफेक्ट का मतलब एक तरीके से होता है, इफेक्ट एक तरीके से मतलब होता है प्रभाव, और इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना, प्रभाव डालना किसी चीज पर, ठीक है, टू प्रोड्यूस अ चेंज इन समथिंग, दैट इज कॉल्ड इफेक्ट। और इफेक्ट का मतलब होता है टू ब्रिंग अबाउट, ठीक है। तो यहां पे आपका होगा इफेक्ट, ठीक है, इसकी जगह आपका होगा अफेक्ट। जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूँ, इन्फ्लेशन इफेक्ट्स द बाइंग पावर ऑफ द डॉलर, ठीक है, तो ये आपका हो गया। और अगर मैं इफेक्ट की बात करूं तो इफेक्ट का हो गया आपका द रिपोर्ट शोज द इफेक्ट ऑफ नोइस ऑन पीपल इन द, नोइस का जो प्रभाव है, प्रभाव डालने की बात नहीं कर रहे, द इफेक्ट ऑफ नोइस, इफेक्ट ऑफ नोइस, नोइस का प्रभाव, ठीक है, द इफेक्ट ऑफ नोइस ऑन पीपल इन द फैक्ट्रीज,
पीपल इन द फैक्ट्रीज। ठीक है, ये आपका हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, थर्ड, दीज डेज जॉब अपॉर्चुनिटीज आर नो एज बेटर एज दे यूज टू बी इन द अर्ली 70s। तो यहां पे आएगा आपका, बताइए, द गुड दीज डेज जॉब अपॉर्चुनिटीज आर नॉट एज गुड एज होगा, एज बेटर एज कभी नहीं होता। ठीक है, तो यहां पे आएगा एज गुड एज दे यूज टू बी इन अर्ली 70s। द पैटर्न दैट इज यूज एज एज प्लस यहां पे आप लिखते हो एडजेक्टिव, ठीक है, उसकी आप लिखते हो पॉजिटिव जो डिग्री है, ठीक है, प्लस एस, ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा, एस प्लस एडजेक्टिव की जो पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है, तो उसकी पॉजिटिव डिग्री आपकी गुड होगी, गुड बेटर बेस्ट, ठीक है, गुड बेटर एंड बेस्ट। हियर कम्स द थर्ड एग्जाम्पल, फोर्थ, व्हेन व्यूड विद दिस पॉइंट ऑफ व्यू द इंटायर एपिसोड एज्यूम्स ए डिफरेंट कलर ऑल टूगेदर, व्हेन व्यूड विद दिस पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें आएगा आपका व्हेन व्यूड विद दिस पॉइंट ऑफ व्यू, देखिए, व्हेन व्यूड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप जब देखते हो जो इंटायर एपिसोड है वो आपको एज्यूम्स ए डिफरेंट कलर, ठीक है, ऑल टुगेदर। तो आपको यहां पे फ्रॉम लगाना है विद की जगह, ठीक है, अलग अलग देखते हैं, जैसे फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू द प्रोजेक्ट वॉज अ डिजास्टर, ठीक है, तो ये आप यहाँ पे ये यूज करोगे। नेक्स्ट देखिएगा, सो द नेक्स्ट इज, ऑन मैनी ओकेजन वी डिड हेल्प द, अरे डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, वी डिड हेल्प द पुअर पीपल बाय वे ऑफ गिविंग देम फूड टू ईट एंड क्लोथ्स टू पुट ऑन। ठीक है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ही डज लुक टायर्ड, ही डज लुक टायर्ड, मतलब डू डिड डज, ठीक है, इसके साथ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। आई डू वॉन्ट टू बी श्योर शी डिड एट लीस्ट राइट टू से थैंक यू। ठीक है, इस तरह के जो सेंटेंस हैं आपके इस पेज के, तो जितने हैं वो मैं आपको करवा देता हूँ। इलेवन देखिएगा आगे, इलेवन, व्हेन शैल वी अराइव टू आवर डेस्टिनेशन, अराइव्ड एट, एट विल रिप्लेस टू, ये प्रेपोजिशन एरर है, व्हेन शैल वी अराइव एट आवर डेस्टिनेशन, ठीक है, एट विल रिप्लेस बिकॉज, वी यूजली से डेट समवन अराइव्स एट अ प्लेस, अराइव्स इन अ कंट्री सिटी, वी अराइव एट द स्टेशन एट 5 o'clock, द प्रेजिडेंट अराइव्ड इन रोम टूडे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे उसकी बात करूं, जैसे यहाँ पे किसी कंट्री कंट्री के लिए या फिर सिटी के लिए, ठीक है, आप जनरली इन यूज करते हो, जैसे द प्रेजिडेंट अराइव्ड एट रोम टूडे नहीं होगा, इन रोम टूडे, ठीक है, तो ये इस तरह का आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर रखना है जब आप एक प्लेस या फिर पे अराइव करते हो, व्हेन अराइव एट अ प्लेस, ठीक है, तब आप एट का यूज करते हो, वी यूजली से डेट समवन अराइव एट अ प्लेस, लेकिन अगर कंट्री और सिटी की बात करो तो आप इन लगाओगे। टाइमिंग की बात करो, वी अराइव्ड एट द स्टेशन एट, ठीक है, तो स्टेशन है तो एक प्लेस हो गया, वो एक जगह होगी, ठीक है, तो वहां पे प्लेटफॉर्म है, ठीक है, तो प्लेटफॉर्म के लिए भी आप एट यूज करोगे, ठीक है, रेलवे स्टेशन है, ठीक है, तो उससे पहले भी आप एट का यूज करोगे। आई होप समझ आया होगा आपको। 12th देखिएगा आगे, बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स वी कैन कंक्लूड दैट मैनी एक्सीडेंट कॉज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग। अगर आप ध्यान से सेंटेंस को देखो तो आपको एक चीज मिलेगी, वी कैन कंक्लूड दैट बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, करेक्ट है बिल्कुल, वी कैन कंक्लूड दैट, कैन है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, मॉडल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बिल्कुल सही है, डैट मैनी एक्सीडेंट, अब बाय हो गया, तो ये सेंटेंस पैसिव में जा रहा है, तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा मैनी एक्सीडेंट्स और कोस्ट बाय द रेकलेस ड्राइविंग। ठीक है, आगे 13 देखिएगा, 13, फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड इन आर कॉलेज, फीमेल जो है वो हमारे कॉलेज में अपॉइंट नहीं की
जा रही, ठीक है, जाती हैं। फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड इन आवर कॉलेज, सिंपल पैसिव सेंटेंस है, नो एरर, ठीक है। कुछ भी लगा लो, बाय द प्रेजिडेंट, वो तो एक ऑब्जेक्ट हो गया, बट अभी तक ये सेंटेंस यहाँ पे पूरा पैसिव वॉइस क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट देखिएगा आप, नेक्स्ट दैट इज 14th, द ऑफिसर इज एंग्री ऑन द क्लर्क, द ऑफिसर इज एंग्री, सीधा सीधा पता चल रहा है एंग्री के साथ आएगा विद, एंग्री विद होता है। जैसे कि आपने मेरी ईडीएम एंड फ्रेसिस की अगर बुक देखी होती, ईडीएम एंड फ्रेसिस की, उसमें भी मैंने इस तरह के प्रेपोजिशन करवाए हैं, तो यानी कि आपके फिलर्स भरने के लिए भी जो आपके ब्लैंक्स आते हैं उसमें बिल्कुल ये काम आता है आपका। तो एंग्री होता है, एंग्री मतलब क्या होता है, फीलिंग और शोइंग एंगर, ठीक है, यूजली फॉलोड बाय एट, विद और अबाउट। तो देखिए तीन अलग अलग वो मैं आपको बता देता हूँ सिचुएशन। देखिए द गर्ल फेल्ट एंग्री एट द इनजस्टिस ऑफ द सिचुएशन, एक इस केस में आपका क्या आ गया, इस केस में आपका एट आ गया, द गर्ल फेल्ट एंग्री एट द इनजस्टिस ऑफ द सिचुएशन, आई वॉज एंग्री विद माई सेल्फ, ठीक है। मतलब जब हम किसी पर्सन की बात कर रहे हैं, किसी पर गुस्सा है, ठीक है, जब हम एक नॉन लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं, कोई इमोशंस, ठीक है, जैसे न्याय हो गया, ठीक है, एक नॉन लिविंग थिंग ही है ये, ठीक है। तो हम क्या है, इस सिचुएशन के अन्याय की प्रति बहुत गुस्से गुस्से में है, कि इस सिचुएशन का जो अन्याय है इस पर हम बहुत ज्यादा गुस्सा है, ठीक है। एंड आई वॉज एंग्री विद माई सेल्फ, तो यहाँ पे पर्सन की बात होगी क्लर्क, तो एंग्री विद द क्लर्क यहाँ पे आएगा, एंग्री विद द क्लर्क फॉर नॉट अटेंडिंग टू द वर्क। एंड एक मैंने आपको बताया, वी यूज एंग्री एट, अबाउट एंड एंग्री विद विद समबडी, ठीक है, समथिंग के लिए हम यूज करते हैं एट, अबाउट, ठीक है, एट और अबाउट समथिंग के लिए, और समबडी के लिए हम यूज करते हैं एंग्री विद, इज एंग्री विद द क्लर्क इज द राइट यूसेज। 15th देखिएगा आगे, 15 देखिएगा, नो सूनर आई हैड स्पोकन, तो ये एक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, नो सूनर हैड आई स्पोकन, ठीक है, देन ही लेफ्ट, ये वाला स्ट्रक्चर हो गया, नो सूनर हैड आई स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट यूसेज होगा, नो सूनर हैड आई, या फिर नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन, नो सूनर इस तरह से भी होता है ना, नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन, डिड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन, देन द ट्रेन लेफ्ट, ठीक है, इस तरह से। आगे देखिएगा 24वां, वन ऑफ द टेररिस्ट ऑफ द कश्मीर वैली, वन ऑफ द टेररिस्ट, ये देखिए अगेन वही आ गया, ठीक है, ये कितनी बार मैंने आपको बताया है इस तरह का सेंटेंसेस, ठीक है, वन ऑफ द टेररिस्ट ऑफ द कश्मीर वैली आर शो डेट, ठीक है। इसके बाद आपको सिंगुलर यूज करना है, अब यहां पे आपका सिंगुलर फॉर्म आएगी, ठीक है, वो आपको यूज करनी है। अब कई टेररिस्ट में से एक कश्मीर वैली का, उनको मार दिया गया है, ठीक है, वाज शो डेट आएगा, ठीक है, वाज शो डेट, टेन किलोमीटर्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक, ये तो करेक्ट है बिल्कुल, कोई एरर नहीं है, 10 किलोमीटर्स है, इट सेल्फ अपने आप में एक सिंगुलर सेंस दे रहा है, ठीक है, एक सिंगुलर सेंस आपको दे रहा है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है आपका सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सो आगे देखिएगा, सिक्स आपका देखते हैं, सो अनलेस इट इज एक्सेप्टेड टू बोथ द पार्टीज, सीधा सीधा पता चल रहा है एक्सेप्टेबल आएगा, अनलेस इट इज एक्सेप्टेबल टू बोथ द पार्टीज एन आर्बिट्रेरर वुड बी ऑफ नो यूज टू सेटल। आर्बिट्रेरी क्या होता है, निष्पक्ष, जो फैसले करवाता है, पंच जिसको बोल देते हैं, ठीक है, तो एन आर्बिट्रेरी वुड बी ऑफ नो यूज टू सेटल दिस डिस्प्यूट, ठीक है, अनलेस इट इज एक्सेप्टेबल, जब तक दोनों पार्टीज
में आपस में मतलब एक्सेप्ट नहीं होती है चीज, तो निष्पक्ष जो है उसका कोई फैसला फायदा नहीं है ये डिस्प्यूट को सेटल करवाने का, ठीक है। जो सेटल डिस्प्यूट को सेटल करवाए तो एक्सेप्टेबल विल रिप्लेस एक्सेप्टेड, ठीक है। एक्सेप्टेबल का मतलब होता है एग्रीड और अप्रूव्ड बाय मोस्ट पीपल इन अ सोसाइटी, एग्रीगेबल कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सेप्टेड, जैसे कि द प्रिंसेस एक्सेप्टेड द लेटर, बट अगर ये लिखें द ऑफर वॉज एक्सेप्टेबल टू द प्रिंसेस, ठीक है। तो इस सेंस सेंस देखा करो ना, देखिए द प्रिंसेस एक्सेप्टेड द ऑफर, द प्रिंसेस एक्सेप्टेड द ऑफर, ऑफर एक्सेप्ट की एक्टिव वॉइस है, लेकिन जब हम इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं द ऑफर वॉज एक्सेप्टेड बाय द प्रिंसेस, या तो ऐसे कह देंगे या फिर द ऑफर वॉज एक्सेप्टेबल टू द प्रिंसेस, दोनों तरीके से यूज किया जा सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो एक्सेप्टेबल है ये आपको यूज करना है एग्री टू अप्रूव बाय मोस्ट पीपल इन द सोसाइटी, ठीक है। तो आगे देखिए सेवेंथ, ऑल्दो द मैनेजर वॉज नीन ऑन गेटिंग द वर्क, ऑल्दो द मैनेजर वॉज नीन ऑन, नीन ऑन बिल्कुल सही है, ऑन गेटिंग द वर्क डन थ्रू सुधीर येस्टरडे ही, अब यहां पे देखिए येस्टरडे की बात की है, वॉज की बात कर रही है, तो यहां पे ट्राइज कैसे आएगा भाई, ट्राइड ही आएगा, ट्राइड विल रिप्लेस ट्राइज। द प्रिंसिपल क्लोज इज इन पास्ट टेंस एंड द सेंटेंस एक्सप्रेसेस ए पास्ट एक्शन, द टीचर टोल्ड अस डेट ही वुड टेक अस फॉर अ पिकनिक नेक्स्ट डे, माई फादर गेव मी द बुक विच आई वॉन्टेड, हैंस ही ट्राई टू अवॉइड इट इज द करेक्ट यूसेज, ऑल्दो द मैनेजर वॉज नीन ऑन गेटिंग द वर्क, ठीक है, डन थ्रू सुधीर येस्टरडे, सुधीर येस्टरडे मतलब सुधीर के थ्रू वो जो काम करवाने में काफी इच्छुक था, ही ट्राई टू अवॉइड ही, लेकिन फिर भी उसने उसको ट्राई किया अवॉइड करने का, ऑल्दो द मैनेजर वॉज नीन ऑन गेटिंग द वर्क डन थ्रू सुधीर येस्टरडे ही ट्राई टू अवॉइड इट। सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज 16, देखिएगा 16th, कंप्यूटर एजुकेशन इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस लीव्स मच टू बी डिजायर्ड, लीव्स मच टू बी डिजायर्ड, कंप्यूटर एजुकेशन इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी और कॉलेज एजुकेशन कॉलेजेस में जो कंप्यूटर के एजुकेशन है लीव्स लीव्स मोर टू बी डिजायर्ड आएगा, ठीक है। मोर मतलब इन एडिशन टू ग्रेटर एक्सटेंट, ठीक है, दैट इज नीड्स टू बी डन इज डिजायर्ड, मोर कंपेरेटिव डिग्री, मच पॉजिटिव डिग्री, मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। जैसे कि पीपल वॉच टीवी मोर देन इज नीडेड, हम ऐसे बोलते हैं ना, पीपल वॉच टीवी मोर देन इज नीडेड, जितना ज्यादा चाहिए उससे कहीं ज्यादा देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही है, लीव्स मोर टू बी डिजायर्ड, कंपेरिजन कंपेरेटिव डिग्री आएगी यहाँ पे एक तरह से कंपेरिजन, ठीक है। मोर टू बी डिजायर्ड मतलब जितना डिजायर्ड है उससे कहीं ज्यादा, ठीक है, लीव्स मोर टू बी डिजायर्ड, तो ये आपका यहाँ पे आएगा, शी नीड्स टू बी गिवन मोर टाइम देन इज एलोटेड, ठीक है। सो लीव्स मोर टू बी डिजायर्ड, जितना डिजायर्ड है उससे ज्यादा ही जो है वो कंप्यूटर एजुकेशन कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में हो रही है, ठीक है, लीव्स। मतलब कम दी जा रही है लीव्स, ठीक है। उसके बाद देखिए 17th का, यू विल बी प्रोसिक्यूटेड फॉर, प्रोसिक्यूटेड फॉर बिल्कुल सही है, फॉर ब्रिंगिंग सीट्स, यू विल बी प्रोसिक्यूटेड फॉर ब्रिंगिंग सीट्स, प्रोसिक्यूट फॉर बिल्कुल करेक्ट है कि आपको इसके लिए प्रोसिक्यूट किया जाएगा, फॉर ब्रिंगिंग किसके लिए, फॉर ब्रिंगिंग सीट्स लाने के लिए, इन टू ऑस्ट्रेलिया, इन टू ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया इज ए कंट्री, हाउ कैन यू से डेट, सिंपल इन आएगा, इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो फ्रॉम भी आ सकता है यहाँ पे, ठीक है, ये भी करेक्ट सेंटेंस देगा आपको, यू विल बी प्रोसिक्यूटेड फॉर ब्रिंगिंग सीड्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से जो आप सीड्स, क्योंकि दोनों ही हो सकते हैं ना, सीड्स लाने के लिए आपको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। द ट्रेन वॉज कमिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ही वॉक्ड इन टू द रूम,
ठीक है, ही वॉक्ड इन टू द रूम. इन टू जो है बेसिकली यूज किया जाता है, इज यूज फॉर इंडिकेटिंग एंट्री, एंट्री, इंक्लूजन और इंट्रोडक्शन एट अ प्लेस. इंट्रोडक्शन एट ए प्लेस, ठीक है, इंट्रोडक्शन एट ए प्लेस, वहां पे आपका ये यूज किया जाता है. ठीक है, ये जो है आपका इनटू, जैसे कि ही वॉक्ड इनटू द रूम, तो बेसिकली एक एंट्री को डिनोट किया है, एंट्री को इंक्लूड किया है. ठीक है, तो यहाँ पे आपका इनटू हो गया. प्रोसिक्यूट का मतलब तो यही हो गया, टू ऑफिशियली चार्ज समबडी विद ए क्राइम. ठीक है ना, कोर्ट, कोर्ट में एक क्राइम के अगेंस्ट, ठीक है, किसी को वो करना, चार्ज करना, किसी पे दोष लगाना, टू ऑफिशियली चार्ज समबडी विद अ क्राइम इन इन द कोर्ट. तो उसके बाद देखिए आपका 18वां जो है, 18th, यू मस्ट आइदर टेल मी द होल स्टोरी और इधर, और इधर विल बी यूज्ड आफ्टर. अब देखिए, यू मस्ट आइदर टेल मी, ये गलत है. वैसे तो आइदर और का कॉम्बिनेशन ठीक है, लेकिन बहुत बार क्या होता है एरर्स में इस तरह की वो आ जाती है. यू मस्ट टेल मी आइदर द होल स्टोरी. पहले तो ये सेंटेंस कंप्लीट करो ना, यू मस्ट टेल मी आइदर किस चीज में, आइदर दी होल स्टोरी. पहले तो यहां से सेंटेंस पूरा कंप्लीट करो, यू मस्ट आइदर टेल मी होल स्टोरी, नहीं, आइदर के बाद आपका सिंपल सा ये आ गया, किस चीज में आपका वो हो रहा है कि या तो मतलब द होल स्टोरी और एटलीस्ट द हाफ, सिंपल, होल स्टोरी और एटलीस्ट हाफ, तो यहां पे आपका ये आएगा. ठीक है, तो एक करेक्ट यूजेज है. आइदर कम्स आफ्टर द वर्ब व्हेन द टू एक्शन मेंशन्ड आर सिमिलर. दो चीज है यहां पे आइदर से रिलेटेड. देखिए, आइदर एक तो होती है आपकी आफ्टर वर्ब, वर्ब से पहले कब आती है, ये जब होती है व्हेन द टू एक्शन, व्हेन द टू एक्शंस मेंशन्ड, मेंशन आर सिमिलर. ठीक है, जब दो एक्शन मेंशन किए हों, वो सिमिलर हों, दे शेयर द सेम वर्ब, तो आपका उसका वर्ब के बाद आ गया, वर्ब का वर्ब के बाद आएगा, यू मस्ट टेल मी आइदर. ठीक है, और ये वर्ब से पहले कब आएगा, जब दो एक्शन आपके क्या है, ये बिफोर वर्ब, तब आएगा जब आपका दोनों वर्ब क्या हो, सॉरी दो एक्शंस क्या हो, मेंशन किए गए हों डिफरेंट. जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, शी वांट्स टू प्ले आइदर टेनिस और वॉलीबॉल. ठीक है, शी वांट्स टू प्ले, वो खेलना चाहता है या तो टेनिस या फिर वॉलीबॉल. तो यहाँ पे क्या है, प्ले शी, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप, शी वांट्स टू प्ले वॉलीबॉल और टेनिस, तो यहाँ पे आइदर कम्स आफ्टर वर्ब, ये आपकी वर्ब है और वर्ब के बाद आपका क्या आया है, ईदर, सॉरी आइदर वॉलीबॉल, वर्ब के बाद आपका क्या आया है, इधर, तो वर्ब के बाद जब आपका इधर आएगा, इधर कम्स आफ्टर वर्ब, जब दोनों एक्शन क्या हो, सिमिलर हो. ठीक है, वॉलीबॉल या टेनिस, ठीक है, शी वांट्स टू, मतलब सिमिलर, दे शेयर द सेम वन, टू एक्शन मेंशनड आर सिमिलर, खेलने की बात हो रही है वॉलीबॉल और टेनिस, बट शी वांट्स टू आइदर गो शॉपिंग और रिलैक्स इन द पार्क. ठीक है, अब ये बिल्कुल अलग अलग सिचुएशन है. शी वांट्स टू आइदर गो शॉपिंग और रिलैक्स इन होम. ठीक है, बिल्कुल अलग अलग सिचुएशन है. यहां पे क्या है, या तो शॉपिंग जाएगा वो या फिर रिलैक्स करेगा घर पे. ठीक है, बिल्कुल दो अलग अलग सिचुएशन है, बट यहाँ पे द टू एक्शन मेंशन आर सिमिलर, खेलना ही है वॉलीबॉल या फिर टेनिस, बट यहाँ पे शॉपिंग जाना, गो शॉपिंग और रिलैक्स, जाना तो पड़ेगा शॉपिंग में, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे जस्ट आपको रिलैक्स है. ठीक है, जो गो है आपका, जो गो है, गो शॉपिंग
एक अलग चीज है, ये एक वर्ब सिंगल को डिनोट कर रहा है, जाना है, और या फिर रिलैक्स करना है. देर इज अ टू डिफरेंट, रिलैक्स एट होम एंड गो, देर आर टू डिफरेंट सिचुएशंस. ठीक है. सो यानी कि मैं यही कहूंगा, आइदर कम्स बिफोर द वर्ब व्हेन द टू एक्शन मेंशन आर डिफरेंट. ठीक है, द टू सिचुएशंस आर डिफरेंट. सो द 20th देखिएगा आप, द पेशेंट वॉज अकम्पनीड विद हिज फ्रेंड. ये तो बहुत बार मैंने आपको करवाया हुआ है, जो पेशेंट है 20th का, तो बाय आएगा, अकम्पनीड बाय. ठीक है, अकम्पनीड बाय आता है. द पेशेंट वॉज अकम्पनीड बाय हिज फ्रेंड. सो अकम्पनीड बाय हिज फ्रेंड. देखिए, हिज फ्रेंड स्टेड विद हिम इन द हॉस्पिटल. ही वॉज नोक डाउन बाय अ बस, हेंस बाय हिज फ्रेंड इज अ करेक्ट यूसेज. बाय इज यूज फॉर इंडिकेटिंग द एजेंट ऑब्जेक्ट आफ्टर अ पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस में एक एजेंट या ऑब्जेक्ट के द्वारा कोई इंडिकेट कर रहा हो, तब लगता है. एजेंट कोई भी हो सकता है, हिज फ्रेंड जैसे कि यहाँ पे है, और पैसिव वर्ब है आपकी अकम्पनीड, सो अकम्पनीड बाय होगा. 19th रह गया, सॉरी 19th भी देख लीजिए. 19th, आवर न्यू नेबर्स हैड बीन लिविंग इन एरिजोना. हमारा जो न्यू नेबर है वो एरिजोना में रह रहे होंगे. तो ये तो बहुत इजी सा है. यहाँ पे 10 ईयर्स है, तो यहाँ पे आपका 4 आएगा. ये सिंस और 4 का कंसेप्ट मैंने आपको बताया था. ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है 100 गोल्डन रूल्स वाली जो वीडियोस हैं, वहां पे जाके आप देख सकते हो. आवर न्यू नेबर्स हैड बीन लिविंग इन एरिजोना फॉर 10 ईयर्स बिफोर मूविंग टू देयर प्रेजेंट हाउस. ठीक है, 20th हो गया. आगे देखते हैं 21st. चलिए आज टोटल 25 ही करेंगे, बस 3 रह गए. अ सिटी ड्वेलर फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू पास अवे द टाइम इन अ विलेज. बताइए इसका आंसर क्या होगा. देखिए, ए सिटी ड्वेलर, ठीक है, फाइंड्स इट डिफिकल्ट. एक शहर का जो निवासी है, फाइंड्स बिल्कुल सही है, सिंगुलर है, फाइंड्स आ गया. इट डिफिकल्ट, फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू पास अवे द टाइम. टू पास, टाइम को क्या करते हैं, टू पास अवे होता है मरना, टू डाई, टू पास टाइम. ठीक है, अवे विल नॉट बी यूज, टू पास द टाइम इन अ विलेज मतलब एक शहर वाला जो निवासी है उसको गांव में टाइम पास करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है. ठीक है, फाइंड्स इट डिफिकल्ट मतलब वो काफी डिफिकल्ट कठिनाई करता है टाइम पास करने में विलेज के अंदर. टू पास द टाइम आएगा सिंपल. ठीक है, टू पास द टाइम, टू पास टाइम, टू स्पेंड टाइम, स्पेशली व्हेन यू आर बोर्ड और वेटिंग फॉर फॉर समथिंग और समवन. टू पास मीन्स टू मूव पास्ट, और पास्ट अवे का मतलब लेकिन हो गया डाई, मतलब मरना. ठीक है, माई आंट पास्ट अवे लास्ट मंथ. द ईयर्स ऑफ फेमिनिन पास्ट अवे एंड वर फॉलोड बाई ईयर्स ऑफ प्रोस्पेरिटी. सो दीज आर द सेंटेंसेस विच यू हैव द टाइम. और द रोड वॉज सो नैरो द कार्स वर अनेबल टू पास. टू टू पास होता है टू मूव पास, गुजरना. ठीक है, टू पास, गुजरना. जैसे ये रास्ता इतना संकरा है कि वहां से गुजरना बहुत ही मुश्किल है. ठीक है, द कार्स वर अनेबल टू पास, दैट इज डिफिकल्ट टू पास, द रोड वॉज सो नैरो. उसके बाद देखिए 23rd, माई फिफ्थ एंड द फाइनल एक्ट. माई फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट, माई फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट ऑफ द मैकबेथ कंटेन. सीधा सीधा, द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट इज सिंगुलर. द फिफ्थ एंड द फाइनल एक्ट इज सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ हमेशा आपका एस या ईएस लगता है. द फिफ्थ एंड द फाइनल एक्ट दैट इज अ मेन सब्जेक्ट एंड इट इज इन द सिंगुलर, हेंस वर्ब विल आल्सो बी इन सिंगुलर एज अ वर्ब एग्रीज विद सब्जेक्ट. वर्ब और सब्जेक्ट का एग्रीमेंट, तो यहां पे आपका क्या आएगा, सिंगुलर. जैसे मैं एक और एग्जाम्पल देता हूं, द
ग्रेट पोएट एंड स्कॉलर, द ग्रेट पोएट एंड स्कॉलर इज डेड। ठीक है, तो यहां पे देखिए आपका क्या है, एक ही बंदे की बात हो रही है, वो पोएट भी है और वो स्कॉलर भी है। दिस सिंगुलर दैट रेफर्स टू द सेम पर्सन, द स्कॉलर पोएट रेफर्स टू द सेम पर्सन। सो आपको यहां पे इसलिए करना है द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट। अगर यहां पे दा लगाता तो बात अलग होती, तो वो प्लूरल सेंस ले लेता। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन प्लीज गिव दिस वीडियो ए थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए धन्यवाद।